स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास फर्स्ट ईयर का सिलेबस लाई हूँ, जिसके द्वारा आप आगे की अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं। और सिलेबस की जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए, ये जो पेपर होगा आपका इंग्लिश का 100 मार्क्स का होगा, और ये पेपर टू पार्ट्स में डिवाइड होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए 50 मार्क्स का रहेगा, सेक्शन बी भी 50 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन ए के अंतर्गत जो आपकी बुक्स होंगी, प्रोज, पोइट्री, वन लॉन्ग पोइम जिसको लाइट ऑफ एशिया भी बोला गया है, शॉर्ट स्टोरी है, और इसी के अंतर्गत चैप्टर रहता है फिगर्स ऑफ स्पीच का, वह भी रहेगा। प्रोज जो रहेगी 16 मार्क्स की रहेगी, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा एक्सप्लेनेशन का रहेगा, ओनली वन सॉल्व करनी है आपको, 8 मार्क्स की रहेगी। वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा इसमें, 4 मार्क्स का होगा। वोकैबुलरी होगी यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स होंगी, वो भी आपकी 4 मार्क्स की रहेंगी। पोएट्री पोर्शन जो है 14 मार्क्स का रहेगा, इसमें पहला क्वेश्चन आपका एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस रहेगा 8 मार्क्स का, एंड सेकंड क्वेश्चन इसमें सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन पोइम 6 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट आपकी लॉन्ग पोइम यानी कि लाइट ऑफ एशिया, इसमें वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा आपका, 8 मार्क्स का रहेगा। शॉर्ट स्टोरी रहेगी, इसमें 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, ये 4 मार्क्स के होंगे यानी कि 8 मार्क्स के होंगे। एंड फिगर ऑफ स्पीच होगी, इसमें डिफाइन करना होगा एनी वन, ये भी आपकी 4 मार्क्स की रहेगी। सेक्शन बी आपका ग्रामर पोर्शन रहेगा, ग्रामर पोर्शन में पहला आपका जनरल इंग्लिश यानी कि ग्रामर जो रहेगी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जिसको कि नरेशन भी कहते हैं, 2 मार्क्स की रहेगी, वन सेंटेंस ओनली सॉल्व करना होगा एनी वन। सिंथेसिस 1 of 2 एनी वन, 2 मार्क्स का रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन आउट ऑफ 2 एनी वन, 2 मार्क्स का रहेगा। सिंटैक्स यानी कि करेक्शन आउट ऑफ 4 एनी 2, ये भी आपके 2 मार्क्स के रहेंगे। वोकैबुलरी यानी कि लर्निंग वोकैबुलरी है ये, इसमें सिनोनिम्स आपके 3 मार्क्स के होंगे, एंटोनिम 3 मार्क्स के हैं, होमोपोन्स भी 3 मार्क्स के हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3 मार्क्स के हैं, वन वन मार्क्स के रहेंगे। एडियम्स एंड फ्रेजेस ये भी आपके 3 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो क्वेश्चन रहेगा आपका वो रहेगा ट्रांसलेशन, क्वेश्चन नंबर 8, 10 मार्क्स का रहेगा ये, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आपसे पूछी जाएगी, स्टोरी टाइप। इसके अलावा इसमें 2 क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं जो आप यहाँ पर अपने सिलेबस में नहीं है, यूपी बोर्ड के सिलेबस के अंतर्गत बच्चे सॉल्व नहीं करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश मोस्टली सॉल्व करते हैं, लेकिन यदि करना चाहते हैं तो अपने पर्सनल बेस पर कर भी सकते हैं, जिसमें कि एक कोई बुक होगी उसमें कोई भी पदांश दिया होगा उसका सारांश आपको करना होगा, या फिर 1950 ईस्वी के बाद की जो इंग्लिश लिटरेचर है उसके बारे में आपको जानकारी करनी होगी। लेकिन अपने हिंदी टू इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है उसी को टीच कराया जाता है कॉलेजेस में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है एसे राइटिंग, 12 मार्क्स का रहेगा। 10 मार्क्स की आपकी लेटर राइटिंग, क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका सॉरी लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग रहेगी, 6 मार्क्स की रहेगी। तो इस तरीके से आपका ये पेपर हो जाता है 100 मार्क्स का, 50 मार्क्स की ग्रामर एंड 50 मार्क्स की लिटरेचर पोर्शन। इसके अलावा जो चैप्टर्स हैं आपके प्रोज में, माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, फॉरगेटिंग द आंट एंड द ग्रासोपर, द काइट मेकर,
वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, अ डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन एंड अफ्रीकन रिवर एंड रोड टू सेफ्टी। नेक्स्ट इंग्लिश पोइट्री है। इंग्लिश पोइट्री में जो 10 पोइम्स आपके यहाँ प्रेस्क्राइब हैं, फर्स्ट है मर्सी, सेकंड द स्कॉलर, थर्ड है एजुकेशन ऑफ नेचर, फोर्थ है टू इंडिया माई नेटिव लैंड, फिफ्थ नंबर पर है ओ कैप्टन माई कैप्टन, सिक्स फ्रॉम डाबर बीच, सेवन है अवर कैजुरना ट्री, नंबर एट इफ, नंबर नाइन नाइटेंगल्स एंड नंबर 10 पैलांकिन बियरर्स। एक लॉन्ग पोइम भी है आपकी, ये पोइट्री के बैक में ही रहती है, लॉन्ग पोइम द लाइट ऑफ एशिया बुक का नाम है। तो इसमें से एक लॉन्ग आंसर आपको सॉल्व करना ही है, और ये आपके यहाँ केवल थर्ड एक्ट इसमें प्रेस्क्राइब है द लाइट ऑफ एशिया का, पूरी बुक प्रेस्क्राइब नहीं है आपके यहाँ। इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी है जिसमें कि 4 चैप्टर्स प्रेस्क्राइब हैं। फर्स्ट नंबर है पेनपॉल, सेकेंड आफ्टर 20 ईयर्स, थर्ड है ड्रॉट एंड फोर्थ है द सेल्फिश जाइंट। इस तरीके से ये आपका सिलेबस है। आपको समय समय पर हम चैप्टर वाइज भी वीडियो देते चल रहे हैं, जिससे आप जानकारी करके आगे की तैयारी में आपको हेल्प मिलेगी। और ये वीडियो आप जितना चाहे वो शेयर कर सकते हैं आपस में एक दूसरे स्टूडेंट्स को, जिससे कि सभी लोग इस का लाभ उठाएं और आगे की तैयारी में उन्हें हेल्प भी मिले।